ये रहे इसके बॉक्स और ये रहे जी फोन्स। हे गाइस, दिस इज मलीहा वहीद एंड वेलकम टू माय चैनल। सो जी गाइस, आज बहुत ही प्यारा दिन है, प्लेजेंट है, धूप भी है हल्की हल्की। सो मैंने सोचा आज बाहर आके फिर से ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। सो गाइस, आज जो है एक सरप्राइज़ का दिन है, क्योंकि सुबह सुबह हमें जो भाई ने है एक सरप्राइज़ दिया है मुझे और अम्मी को, पता नहीं था। और जैसे ही सुबह उठे हैं सो इतनी खुशी हुई, बिकॉज काफ़ी देर हो गए थे हम ट्राई कर रहे थे यहाँ की लाइंस लेने का, बिकॉज पाकिस्तान से आते हुए मुझे यहाँ पे बड़ा टाइम हो गया, आई मीन 2-3 मंथ्स हो गए। सो मुझे एक लाइन की नीड थी, बट प्रॉब्लम ये आ रही थी, जो मेरे और अम्मी का फ़ोन है वो उस पर कंट्री कोड था और वो यहाँ नहीं चल पा रही थी। सो भाई ने सोचा कि इन्हें लाइंस देने के साथ साथ जो है इनके न्यू फोन्स ऑर्डर कर दिए जाए जी। सो उसने जो है हमारे लिए दो न्यू फोन्स, लेटेस्ट मॉडल सैमसंग गैलेक्सी S24 ऑर्डर कर दिया है, और मतलब ऑर्डर किया था। सो हमें आज रिसीव हुए सुबह सुबह। सो जैसे ही हम सुबह उठे सो हमें रिसीव हुआ, अम्मी ने दरवाज़ा खोला, डोरमैन था जो भी, आके उसने हमें दिया। सो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि हमारे नए फ़ोन्स, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर लूँ कि कौन से नए फ़ोन्स हमें मिले हैं। सो ये देखें जी, ये दो बॉक्सेज हैं, ग्रे एंड वॉलेट कलर, कॉबलेट वॉलेट है। सो ये दो फ़ोन है S24। सो जी मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ इसे अनरैप करके, अनबॉक्स करके। सो चले, एंड आई मस्ट से वन थिंग के भाई हो तो ऐसा, एंड आई होप के पाकिस्तान में भी जो भाई, ज़रूरी है कि गिफ्ट्स और इन सब से भी भाई जो है यूजुअली अपनी बहनों और माँ और अपने घर का जो है ख्याल रखते हैं। सो हमने सोचा था, एंड चलो ये भी अच्छा हो गया कि मुझे एक और फ़ोन मिल गया, बिकॉज जो ये वाला फ़ोन है मेरा, जो आईफोन था उसके साथ तो मैं व्लॉगिंग ही कंटिन्यू रखूँगी, बट जो ये फ़ोन होगा मेरा पर्पल में, इसके साथ जो है अदर एक्टिविटीज़, एप्स एंड बाकी जो चीज़ें हैं वो इसमें यूज़ कर लेंगे। चलें जी देखते हैं, पहले इसको अनबॉक्स करते हैं, इसके रैप ये जी, ये खुल जाओ। ओह ओह, लुक एट दैट गाइस, दिस इज ऑसम। सी क्या कलर है इसका, ओह माय गॉड, वो वो वो, ये देखें जी, ओह माय गॉड, इसके एजेस देखें जी, आईफोन का टच है ये, आई मीन टच मींस कि इसका जो ये है साइड्स जो हैं जो ऐसे कर्व जो हैं ये आईफोन की तरह। सो इट इज़ रियली नाइस वन, उठाने में भी अच्छे हैं एंड लाइट वेट है। सो ज़बरदस्त जी, ये देखें, ये फ़ोन रहा, ये इसका बॉक्स रहा, ये अंदर एक्सेसरीज हैं इसकी, जो भी यूजुअली वायर और ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको दूसरा कलर भी दिखा देती हूँ, एक्चुअली जो मेरा है, एक मिनट ये भी खोल लो। ये रहा जी वॉलेट कलर, वाओ। सी गाइस, ये भी बहुत प्यारा कलर है, ये देखिए। सो इट इज़ रियली नाइस, मेरा तो ये रहा भाई पर्पल एंड अम्मी का वो, एंड एज यूजुअल इसमें जो एक्सेसरीज, उसकी वायर वगैरह ये सब आपको, मेरा ये ऐसे दिखाने का वो ये था मकसद, बिकॉज भाई ने हमें सरप्राइज़ दिया। सो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज ऑल्सो कि देखें मुझे क्या सरप्राइज़ मिला है एंड अम्मी को क्या मिला है, एंड इसके साथ हमारे न्यू लाइंस भी डल गई हैं, दो नंबर्स हमें यहाँ के मिले हैं। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसी तरह खुदा भाई को खुश रखे, आबाद रखे, एंड यूँ ही इसे बरकतें मिलती रहे और हम पे यूँ ही लटाता रहे। सो गाइज, मेरी भी दुआ है कि हर बहन को अच्छा भाई मिले, ख्याल रखने वाला मिले, एंड आई होप यूजुअली हमारे जो पाकिस्तान साइड के एशियन कंट्रीज़ के जो भाई हैं वो अपनी बहनों का इसी तरह ख्याल रखते हैं, और मेरी दुआ है आप लोग भी खुश रहें, आबाद रहें जी।
एंड ये देखिए जी वेदर, ये देखिए जी बहुत ही प्यारा मौसम है, सनी वेदर। और ये रहे जी हमारे दोनों फोन्स, ये रहे इसके बॉक्स और ये रहे जी फोन्स। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे एंड इसको भी ऑन करेंगे बाद में बिकॉज उसके लिए ज़्यादा सेटिंग्स और ये सब चाहिए। देखिए सो गाइस, दिखा दी मैंने आपको फ़ोन बिकॉज अब से जो मेरी चीज़ें हैं वो इतनी कॉन्फिडेंशियल और छुपी नहीं है, बिकॉज मैं आप लोगों से सब शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पर जो मेरी न्यू जर्नी है लाइफ की पाकिस्तान के बाद। सो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ। सो मैंने सोचा कि ये मैं कैसे भूल जाऊँ कि अगर मैं यहाँ पर कोई नया फ़ोन लिया है भाई, चाहे भाई ने दिलाया जैसे, पर मैं आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। एंड मैं और अम्मी बहुत खुश हैं, अम्मी के भी रिव्यू आपको बाद में दिखा दूँगी। मैं उनसे पूछ के मैं नीचे आई थी बिकॉज मुझे थोड़ा धूप में बैठना था, बड़ा अच्छा मौसम है, मज़ा आ रहा है मुझे। एंड अभी तो कोई नहीं है बट आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही शाम होगी तो इतने बच्चे आ जाते हैं यहाँ पर और माएँ आती हैं, वॉक करते हैं लोग, सो बड़ा अच्छा लगता है। सो गाइज, इसके साथ साथ आपसे एक और भी बात शेयर कर लूँ कि हमारा प्लान बन रहा है सैन फ्रांसिस्को सिटी जाने का, जहाँ पर है जी गोल्डन गेट ब्रिज, जो अमेरिका का फेमस ब्रिज है, जो रेड इन कलर है। एंड मैंने भी नहीं देखा हुआ, कैसे देख सकती थी, अभी तो आई हूँ अमेरिका, सो मैं भी देखूँगी। एंड होपफुली इस वीक में या आने वाले वीक में जब भी हमारा प्लान बन रहा है तो हम उधर जाएंगे। एंड एक और जगह है पियर 39, सो उधर जाने का प्लान है। तो जी स्टे ट्यून्ड विद मी और मेरे बहन भाइयों को, मेरे अजीज़ों को, जहाँ भी है दुनिया में कहीं भी, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इधर हो, या कहीं भी हो जी, मेरा बड़ा सलाम एंड दुआ है कि खुश रहें, आबाद रहें। और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड लाइक कर दे, कमेंट कर दे जी। एंड यूं ही मुझे भी दुआओं में याद रखे और मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखूंगी। एक बार फिर से जी भाई का बहुत 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 शुक्रिया कि उसने हमें इतना अच्छा सरप्राइज दिया एंड गिफ्ट किया हमें ये फोन्स। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड आप भी खुश रहें जी और मेरे साथ ऐसे ही बने रहें और मेरा साथ देते रहें। एंड जिसको जो बात कोई अच्छी ना लगे या पर्सनली हिट हो जाए सो काइंडली उसके लिए माफ़ करें एंड जी सपोर्ट करते रहें, बिकॉज सपोर्ट आपका बहुत ज़रूरी है एंड आपके ही सपोर्ट से हम अपनी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट रखेंगे, स्टार्ट तो कर लिए, ऐसे ही जारी रखेंगे जी। चले जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।